जी हमारी बात हो रही है, वहीं से सिलसिला तोड़ेंगे। वहाँ नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि उन्होंने तो ये कहा कि मैं तो खुद कश्मीरी हूँ, मुझे आज़ाद कर दो। मगर ये बात है कि आप ये देखें कि हम किसी भी कंट्री से ले सकते हैं पर्सन, मगर हमारा ये पैगाम है पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के नुमाइंदे कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान की मसले मसाइल भी हल करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि हम भी एक इसराइली हैं, मगर हम अमन की आशा लेके बैठे हुए हैं और हमारी वजह से बहुत ताल्लुकात बेहतर हुए हैं इसराइल। मैं आपको बताता चलूँ, हम पाकिस्तानी, हम इतना कहेंगे कि जब से हमें एमबीए से दोस्ती हुई इसराइल से ताल्लुकात हो गए हमारे। तो किसी भी कंट्री से हो सकते हैं, ये नहीं कि कहीं कोई भी कंट्री से ना हो। बेशक वो इजिप्ट के हैं अम्बिया, मगर हम ये कहेंगे कि देखें हमारे साथ तावन हुआ, हम जो है वो अमन की आशा लेके बैठे हुए, और हमारे रिलेशन एक्शन में कोई खैर नहीं है। किसी भी कंट्री से हो सकते हैं, किसी भी मजहब से हो सकते हैं। दोस्तों के लिए तो कहीं भी जा सकता है इंसान, कहीं किसी भी कंट्री से हो सकता है। दोस्तों के लिए मैं बता रहा हूँ, दोस्त तो किसी भी कंट्री का हो सकता है। सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तानी हो, बल्कि वो पूरी दुनिया से हो सकता है दोस्त। अब हम उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते जो बहुत से लड़के हैं लाहौर के, और वो बाहर की लड़कियों से शादियां कर रहे हैं और अफ्रीका और इस कंट्री से लड़कियों से दोस्ती कर रहे हैं। उन चक्करों में नहीं पड़े हम, पूरी दुनिया से ही एक ताल्लुकात बनाए जा सकते हैं अगर ग्लोबल वर्ल्ड में हम रहते हैं। मगर आप ये देखें कि हमारे कंट्री में रहते हुए, हम पाकिस्तान में रहते हुए हम कुछ नहीं कर रहे, हम कोई इस सारी बातें नहीं फैला रहे। कोई इस वाली टॉक्स नहीं कर रहे, कोई इस वाली बैठ के बात नहीं कर रहे, ये हमारी पॉलिसी में भी है। बेशक वो इजिप्ट के हैं, मगर हम ये कहेंगे कि ही जस्ट टू बिलोंग टू इस्राइल, बिकॉज ही इज यहूदी। तो ये बात जी, देखिए मैंने जहाँ तक पाया है अम्बिया को, ही सो नाइस एंड जेंटल, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट स्पोकन। हम ये समझते हैं कि पता नहीं कैसे लोगों ने बातें फैलाई हुई हैं कि बहुत टेररिस्ट हैं, ये हैं वो हैं, और मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं। सच नहीं है, बहुत ही अच्छे अखलाक के और बहुत ही अच्छे एक अच्छे इंसान हैं। अब यहाँ ये बात कही जा रही है कि बहुत अपने अपने लोगों में रहने वाले ये वो, ऐसा कोई बात नहीं। मैंने जहाँ तक पाया है इसराइली लोगों को बहुत ही अच्छे, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, हर तरीके से अच्छे ही हैं। मगर हम बिलोंग्स टू पाकिस्तानी, जो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट करेगी उसको ही लेके आगे चलेंगे ना। जी
नहीं तो लोग तो बस यही पूछ रहे हैं, आप फिल्मी हीरो का नाम बताएं ताकि हम उस पे कार्रवाई करें। तो मैसेजेस साफ साफ आ रहे हैं कि आप उस फिल्मी हीरो का नाम बताएं जो आप जिसने आपको तंग किया। तो ऐसी फिल्मी हीरो ही हैं, क्योंकि हम लोगों को कहा था कि वो हिंदू थे और हम अल्लाह ताला से ने उनको बदकार समझा था हिंदुओं को, तो इस वजह से उन्होंने हमारा उसका बदला लिया हमारे साथ। हिंदू थे ना वो, उन्होंने उसका बदले में ये इनाम दिया। मुझे याद है जब मैं अपने ड्राइंग रूम में था और हम जबरदस्त बातें बातें कर रहे थे हम भैया, और वो सुन रहे थे, तो उन्होंने उसी रात की बातें, तो उन्होंने कहा कि अब हम अपना, अल्लाह ताला ने कहा ये तो जहन्नुमी है, हिंदू है ये जहन्नुमी, हम एकदम ख्याल आया कि ये तो जहन्नुमी। तो उस वक्त ये उन्होंने प्लान बनाया कि हम भी अल्लाह के रिलेशन को ख़त्म करेंगे, हम अल्लाह से ताल्लुकात ख़राब करेंगे। तो उस बेस पे उन्होंने ही अपनी कार्रवाई की। अब हम आपको मैसेजेस आ रहे हैं कह रहे हैं आप उस फिल्मी हीरो का नाम बताएं, मगर मैं यहाँ टीवी पे बैठ के नहीं बता सकता, आपसे कभी डायरेक्टली बात होगी तो मैं बताऊंगा। उनके फिर ट्रायल हो जाएगा उनके ऊपर, उनकी फिर ही तो फिल्में भी हिट नहीं होंगी ये वो। और देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है, ये लोग समझ रहे हैं कि शायद ये ड्रामा ख़त्म हुआ है तो हमने ताल्लुकात ख़त्म किए अनंत से। नेविया ड्रामा मेरे ख्याल से ख़त्म हुआ है जून में, मई जून हमने ख़त्म किया रिलेशन मई के फर्स्ट में, और नेविया ड्रामा ख़त्म हुआ है जून जुलाई में। तो ये ड्रामे का नहीं है, अब लोगों ने ये कहा कि ड्रामा देखते थे तो इस वजह से रिलेशन स्ट्रेंथ हुआ था, फैन थे हम उनके ये वो, फैन थे हम, मगर ये है कि ये कहना कि निविया ड्रामे की वजह से हमने दोस्ती की थी और ड्रामा ख़त्म हुआ तो हमने छोड़ दिया, तो ये गलत बात है। हमने अल्लाह ताला जो कहेंगे उस पे चलेंगे, अल्लाह ताला को ये रिलेशन पसंद ही नहीं था, हमने एग्जिट करना शुरू किया। नहीं देखिए अब अभी ये सेमी प्राइवेट न्यूज़ है, ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट है संडे, और मेरे ख्याल से प्राइवेटली न्यूज़ ही चला रहेंगे लाइव ब्रॉडकास्ट है संडे। उनका ये जो इल्ज़ाम है कि हमने ही रिलेशन ख़त्म किया और हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं अनंत पे इस पे, ये सब बात नहीं है। हमने कहा था कि हम जो हैं वो मतलब देखें हम तो इस कटहरे में बैठे हुए थे 2010 के, एंटरटेनमेंट हासिल की नहीं उसके बाद से देखें अभी तक हमें एंटरटेनमेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तफरी जिसको कहते हैं उसको सवाल ही पैदा नहीं हो। हमने तो रिलेशन इसलिए कायम किया था कि तकरीबन जल्द से जल्द हम एंटरटेनमेंट हासिल करें, तफरी हासिल करें, मगर ये ख्वाब पूरा ही नहीं हुआ। 1 साल हुआ और हमने फिर उनसे भी एक रिलेशन कायम किया आनंद से, तो उस पर भी कोई भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। 26 दिसंबर का वाक़या हमारे सामने जब ये प्रपोजल रिजेक्ट की गई, तो हम तो हर तरीके से फंसे हैं ना, हम तो हर तरीके से अपने ही पैर, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, बल्कि हमने जब कहा भी कि हमारा रिलेशन कंटिन्यू रखा जाए तो देखिए हमारे साथ क्या हुआ, हमारे रिलेशन में कोई सादगी नहीं थी, कोई कोई प्योर प्योरिटी नहीं थी, कोई सेफ्टी नहीं थी। हमारी प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया गया, मगर इतना कुछ करने के बाद भी हमें एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट नहीं मिली बस।
मिलना जुलना जिसको कहते हैं वो नहीं मिली। तो ये एक बहुत बड़ा स्थान है। हम तो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द हम मिलें जुलें, तफरी हासिल करें, इंटरटेनमेंट हासिल करें, मगर हमें कुछ भी नहीं हासिल हुआ। एक बहुत बड़ी बात। देखिए, आपने पूछा प्रपोजल क्या थी, तो प्रपोजल बहुत क्लियर थी कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हम मीट करें और मुलाकात करके बातचीत करें। आप पाकिस्तान आए, हम इंडिया आते हैं, और इस तरीके से ताल्लुकात इस्तवार किए जाएंगे, मिला जाएगा, और बाकी ताल्लुकात मिलजुल के बातचीत की जाएगी। ये थी प्रपोजल, मगर उसका संजीदगी से नोटिस नहीं लिया गया। उसके ये नतीजा निकला कि वहाँ से हमें डिलीट कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा साना हुआ है, क्योंकि हमारा कोई रिलेशन था ही नहीं। अब उनका कहना है कि मेरा हर एक से ऐसे रिलेशन थोड़ी था कि मैं बात कर रहा हूँ हर एक से। उनका तो यही कहना है ना, मगर क्या फायदा है ऐसी बात का जब आप असली में तो डिलीट कर रहे हैं रिलेशनशिप। उनका यही कहना था कि मैं असली में हर एक से ऐसे थोड़ी बात कर रहा हूँ। ये बात है, मगर दोनों तरीके से ये रिजेक्ट की गई प्रपोजल। हम यही समझ रहे थे कि शायद हमसे तो असली में बात कर रहे हैं, और जब हमने प्रपोजल भेजी तो वो रिजेक्ट हुई। फिर हमने कहा कि ये कोई बहरूपिया है, मैंने इसको साफ साफ कह दिया, कोई बहरूपिया है, और ऐसा हो नहीं सकता। बहरूपिया ही होगा डेफिनेटली जब हमारी हकीकत में वो प्रपोजल रिजेक्ट की, तो फिर बहरूपिया ही होगा ना। जी देखिए, वो क्या, देखिए उनको तो हम कुछ भी नहीं कह रहे कि हमारी प्रपोजल्स जो हैं और हमारी जो लाइफ फॉरम है जिसपे हम बात करते हैं, वो तो हमारा रिजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हमने जब ये बात की कि देखें ये रिलेशन स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकता जब तक कि उसमें इस्तेवारी ना आए, उसमें बातचीत का माहौल नहीं आएगा, तो कोई क्या बात हो सकती है। अब हम किरदार से तो नहीं कह रहे, मैं किरदार साजी तो खुद ही खराब की है उन लोगों ने जो वहां बैठ के बातें बना रहे। किरदार साजी तो वहां से ही खराब हुई, हमने किरदार साजी खराब की। अब उनका यही कहना है कि मैं बोलता भी नहीं था, खुद ही बोलता रहता था, और अभी तक रिलेशन निविया से स्ट्रेंथ है। आप ये देखें कि उनका रिलेशन उन्हीं से स्ट्रेंथ था ना, फिर हमारा क्या रिलेशनशिप रहा। हम तो कुछ भी नहीं स्ट्रेंथ के लायक रहे। हाँ, जो एक बात है कि जो रेहान का किरदार है वो सबसे बेहतर, अभी भी वो हमारे मुखलिस दोस्त हैं। रेहान को हम कहेंगे कि वो एक अच्छे इखलाक के लड़के हैं, और उनको हम कहेंगे कि हाँ भाई वो हमारे रफ़का हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। मगर जो अनंत का किरदार है वो एक अनबिहेव है, और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और उन्होंने जो हमारे ताल्लुकात ख़राब किए हैं अम्बिया के साथ, और जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने वहाँ हमारे साथ जो रिलेशन कायम किया और जो ताल्लुकात ख़राब किए हमारे ओल्ड रिलेशन, उस पर हम एहतजाज करेंगे और करते रहेंगे। जी हाँ, 2 बजे की नशियात ख़त्म हुई, 4 बजे फिर हाजिर होंगे रात के।